और धूम 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर संजय गढ़वी का आज निधन हो गया। वे 57 साल के थे। आज सुबह तकरीबन 8:44 पर वो घर पर चाय पी रहे थे कि अचानक वो ज़मीन पर गिर गए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो क्या वाकई में चाय पीने से किसी को हार्ट अटैक आ सकता है? और क्या ये इतना घातक होता है कि किसी की जान चली जाए? चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लाइफ और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। देखिए, संजय गढ़वी अंधेरी इलाके की उसी ग्रीन एक्स बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ श्रीदेवी रहा करती थी। वैसे तो बोनी कपूर पिछले कई समय से वहाँ पर नहीं गए हैं, लेकिन संजय गढ़वी की मौत की खबर की पुष्टि उन्होंने ही की है। घर में बेहोश हो जाने के बाद संजय गढ़वी को फौरन अंधेरी के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। पर सवाल अब भी वही है कि क्या चाय पीने से किसी को हार्ट अटैक आ सकता है और क्या किसी की जान भी जा सकती है? देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है, पर क्या आप जानते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है? जी हाँ, सुबह उठकर खाली पेट और वो भी बिना ब्रश किए चाय पीने से हमारी ओरल हाइजीन ख़राब हो जाती है। ओरल हाइजीन ठीक नहीं रहती तो दांतों पर प्लाक जमता जाता है, ये फिर टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है। प्लाक होने की वजह से दांतों पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में चले जाते हैं और धीरे धीरे हार्ट वॉल्व को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। हार्ट वॉल्व में होल हो जाता है। इस सिचुएशन को सब एक्टिव बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। जिन्हें पहले से दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं उन्हें हार्ट अटैक तक आ सकता है। कई डॉक्टर्स का कहना है कि प्लाक लंग्स तक फैल सकता है, इससे निमोनिया भी हो सकता है। प्लाक में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से ब्लड क्लॉट हो सकता है और इससे ब्रेन स्ट्रोक होने की आशंका भी बढ़ जाती है। कई रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि जो महिलाएं दांत की बीमारियों से पीड़ित रही हैं उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये इस बात का दावा लगाया जा रहा है कि शायद इसी वजह से गढ़वी जी का निधन हुआ है। वैसे आपको बता दें तो उन्होंने 2000 में फिल्म तेरे लिए से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। फिल्म नोटिस में नहीं आई थी, लेकिन पहले इस फिल्म का नाम तो ही पता था, जिसमें अर्जुन रामपाल और रवीना टंडन लीड रोल में थे। हालांकि कम बजट की वजह से फिल्म रुक गई थी। संजय को पहली बार फेम 2004 में मिला था जब उन्होंने एक्शन थ्रिलर फिल्म धूम डायरेक्ट की थी। फिल्म धूम में अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जॉन अब्राहम, ईशा देओल और रिमी सेन जैसे स्टार्स नजर आए थे और मूवी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही थी। बहरहाल, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए गुड लाइफ के साथ। नमस्कार।